नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी लगाए पंख। कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर सीएम नीतीश सहित देश के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। रेलवे के बाद अब सेना भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। शराब पीने पर पकड़े गए तो पहली बार में आर्थिक दंड, दूसरी बार में होगी 1 साल की जेल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विमान कंपनियों ने की टिकट में लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी। महंगाई की मार हर क्षेत्र में पड़ी है, इसे कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। वो चाहे यातायात हो, खाद्य सामग्री हो, शिक्षा हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतों के सामान, हर चीज सामान्य से अधिक कीमतों में खरीदी और बेची जा रही है। इसी क्रम में हवाई सफर को भी अब महंगा कर दिया गया है। विमान कंपनियों ने पटना से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के सफर के लिए सामान्य दिनों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी। उदाहरण के तौर पर देखें तो पटना से बैंगलोर के हवाई सफर के लिए सामान्य दिनों में 4500 से 5000 के बीच किराया लगता था, लेकिन अब 8300 रुपए लिए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए मतदान की वजह से नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक बीते दिन देर शाम हुई। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इन सभी प्रस्ताव में मद्य निषेध विभाग का प्रस्ताव अहम रहा, इसे भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विधानमंडल में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली में संशोधन का विधेयक पास किया गया था। इसके तहत बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना होगा, इसके लिए जुर्माने का प्रावधान शुरू किए जाने की मांग की गई थी। इस विषय को सोमवार को देर शाम बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों ने अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी लगाए पंख। बिहार में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस के दाम ने परेशान कर दिया है। वहीं अब आटा दाल के भाव भी आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का असर अब आटा दाल और फल सब्जियों के भाव पर भी पड़ने लगा है। आटा चावल की कीमतों में 100 से 150 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 25 किलोग्राम के चावल पैकेट की कीमत 750 रुपए से बढ़कर 830 रुपए हो गई है। इस तरह मसालों की कीमत में 28 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में सब्जियों के भाव पहले से ही बढ़े हुए थे। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत ने सब्जियों की कीमतों को भी पंख लगा दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मियों को मिली राहत। एक तरफ लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार लोगों की परेशानी में थोड़ी बहुत राहत जरूर दे रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में हुई कैबिनेट की बैठक में ही सरकार ने सरकारी कर्मियों को खुशखबरी दी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। बिहार की नीतीश सरकार के कर्मियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ते को 31 से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर सीएम नीतीश सहित देश के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। जगजीवन राम, जिन्हें सहपूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और राजनेता थे। इनका जन्म बिहार के ही भोजपुर जिले में हुआ था। आज इनकी जयंती है। इस अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्कुलर रोड, अणे मार्ग एवं कौटिल्य मार्ग के चौराहे पर अवस्थित स्वर्गीय जगजीवन राम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगजीवन राम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने लू को लेकर जारी किया अलर्ट। प्रदेश के अधिकतर जिले में पिछले कुछ दिनों से सुबह के समय ठंडक का एहसास हो रहा था तो 10 बजे के बाद भीषण गर्मी की मार पड़ रही थी, लेकिन 2 दिनों से ये देखा जा रहा है कि सुबह से सूरज अपनी तेज किरणों को धरती पर भेजकर लोगों को झुलसा रहा है, जबकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें भी और गर्म होती जा रही हैं, जिसके कारण ही बाहर तेज धूप और लू में बिहार के लोग काम कर रहे हैं और काम करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को तेज धूप और लू की मार झेलनी पड़ सकती है। लोगों का सामना चुलचुलाती धूप के साथ पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी से हो सकता है। इसको लेकर ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आतंकी हमले में बिहार का एक और लाल हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर में बिहार का एक और लाल हुआ शहीद। सोमवार की रात जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में बिहार का एक जवान शहीद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उग्रवादियों के इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 जवान घायल हो गए, वहीं मुंगेर
के निवासी सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार शहीद हो गए हैं। विशाल के परिवार वालों के लिए यह क्षण बेहद ही कष्टदायी है। विशाल अभी 10 दिनों पहले होली की छुट्टियां खत्म कर देश की सेवा पर लौटे थे। सीएम नीतीश ने भी बिहार के इसलाल के शहीद होने पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और इस घटना को बेहद ही दुखद बताया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज रात उनके पैतृक आवास पर पहुंच जाएगा। बिहार में क्यों नहीं है नार्को टेस्ट की व्यवस्था? नार्को टेस्ट की व्यवस्था नहीं रहने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर किस कारण से बिहार जैसे राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने एक आपराधिक मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है और इसकी वजह जानने की कोशिश की है। एफएसएल के डायरेक्टर की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि बिहार में नार्को टेस्ट करने की कार्रवाई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया है कि नार्को टेस्ट के लिए अलग से व्यवस्था और पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। इसके लिए गृह विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। अवैध बालू खनन में 1400 छापे लेकिन आरोप पत्र महज 600। बालू की अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार के भूतत्व विभाग लगातार लगा हुआ है। बीते दिन बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यकलाप की समीक्षा की, जिसमें ये बात सामने आई कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक विभाग के अफसरों ने बालू के अवैध खनन की रोकथाम के लिए करीब 14,000 छापेमारी की, जिसमें से मात्र 2,940 लोगों पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 616 लोगों के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जो कि बहुत धीमी गति से हुआ है। मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जब तक संलिप्त व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाएगा उन पर अंकुश लगाना कठिन है। रेलवे के बाद अब सेना भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। रोजगार की मार इस तरह युवाओं पर पड़ रही है कि युवाओं को इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की लेट लतीफी की वजह से युवाओं को समय पर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। आज से कुछ महीने पहले आरआरबी एनटीपीसी को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ही युवाओं ने सेना भर्ती में हो रही देरी को लेकर अब अपना आक्रोश शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि विभिन्न डिफेंस की परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए ताकि सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य अधर में न लटका रहे। इस मांग को लेकर शेखपुरा लखीसराय NH 330A पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। अब किसानों को देना होगा पहले से 3 गुना अधिक टैक्स। बिहार में अब किसानों के खेतिहर जमीन के लगान यानी कि टैक्स के रूप में 3 गुनी राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद किसानों पर हर साल 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। राज्य में जिन भी इलाकों में जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा उस इलाके के किसानों को जमीन के लगान के रूप में 3 गुनी राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान में किसान 20 पैसे प्रति डेसिमल की दर से लगान देते हैं, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद 60 पैसे प्रति डेसिमल देना पड़ेगा। शराब पीने पर पकड़े गए तो पहली बार में आर्थिक दंड, दूसरी बार में होगी 1 साल की जेल। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पहली बार में शराब के नशे में पाए जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो कम से कम 2,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति इस राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे 1 महीने के जेल के प्रावधान में रखा जाएगा। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आर्थिक दंड नहीं बल्कि 1 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय से ये शक्ति प्रदान करने की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा। 2 बच्चों में चमकी बुखार की हुई पुष्टि। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES, जिसे आम भाषा में चमकी बुखार भी कहते हैं, ये शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है और वो भी खासतौर पर बच्चों में होता है। दरअसल SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। इनमें एक बच्चा बंद्रा और दूसरा मोतीपुर का है। इसके बाद SKMCH में एक बच्चे की जांच भी हो रही है जो AES संदिग्ध बताया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उचित इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की जान भी जा सकती है। ऐसे में डॉक्टर का कहना है कि AES के मरीजों के इलाज में कोताही ना बरते। सीएम आवास के फोटोग्राफर मदन का हुआ निधन। बिहार मुख्यमंत्री आवास से बेहद ही बुरी खबर बीते दिन सामने आई, जिसके तहत ही सीएम आवास के फोटोग्राफर मदन की जान जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खबर यह भी है कि एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा पड़ने से मदन का निधन हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं मदन के निधन के बाद सीएम नीतीश भी अस्पताल प्रशासन पर गुस्सा है। चेन्नई की निराशाजनक प्रदर्शन पर हरभजन ने साधा निशाना। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने चेन्नई टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद निशाना साधते हुए कहा है कि अभी भी ऐसा लगता है कि धोनी की कप्तानी
कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि रविंद्र जडेजा को स्टैंड लेना चाहिए। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि धोनी अभी भी सीएसके के कप्तान है। जब मैं जडेजा की तरफ देखता हूं तो वो रिंग के बाहर फील्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसा करते हुए मैच में आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने फील्ड सेट करने और बाकी रणनीति का सिरदर्द धोनी को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब जडेजा को स्टैंड लेना होगा। टीम से प्रदर्शन करवाने के लिए उन्हें स्टैंड लेना ही होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनाली सिन्हा, प्रिंस बाबू, शंकर कुमार, विभूति प्रकाश, सीता देवी, बिट्टू कुमार, दीपक शाह, शंकर मुखिया, ज्ञानवी कुमारी, कलेंद्र दुबे। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई से क्या आपका भी बजट बिगड़ा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।